हम जनता की आवाज नहीं, फिर जल्दी छुटकारा मिले। हुड्डा साहब, हरियाणा का रोड मैप तैयार है, राज्यसभा का चुनाव होगा, हरियाणा का रोड मैप तैयार है चुनाव के लिए? हाँ, पूरी तरह तैयार है। टिकटों का इंतजार है, आवेदन आ चुके हैं सबके, सबने सीट है, कोई 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं, और अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग ही हुई और फैसला करना है। मैं कई दफा कहता मैं इतना नहीं करता हूँ 70 बार 80 बार 90 बार, लेकिन ये है कि भारी बहुमत से सरकार बन जाएगी, बिना किसी के समर्थन के। ये आवेदन बहुत ज्यादा आए हैं, प्रतिक्रिया क्या रही है? ये आवेदन ज्यादा है, यही तो एक संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। इन सारे सवालों का जवाब 1 अक्टूबर को हरियाणा के लोग देंगे। एक सर जी से सवाल था, अभी कुछ सूचना इस तरह की दिल्ली मीटिंग में झगड़ा हो गया, ये हो गया, आता भाई को बता दें कहा तक दम है सारे पीसीसी प्रेसिडेंट सारे देश के थे, सारे वहां पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस थे, और जो इंचार्जेस थे स्टेटों के सबने अपने अपने बात रखी है, और उसके बारे में जो भी थी हमारे केसरी बहन को बात जयराम रमेश जी ने वो मुझे बता दी, ये कहाँ से चंडू खाने की खबरें लेकर के आते हैं, कोई ऐसी खबर निकाल दे जो अपने अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए, जिसका कोई भी सिम्पटम नहीं होगा वो कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं, और कोई दूसरे पर ध्यान गठबंधन है, समाजवादी भी उसमें है, आप पार्टी भी है, और बहुत सारे दल है, लेकिन प्रांतीय स्तर पर अभी कोई चर्चा नहीं है। ये सवाल आ रहा है चंडू खाने की खबर, ये हमारी कुछ हवा में पता नहीं कौन से सूत्र से छपी है, ये कौन से सूत्र, ये तो मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे हमने से लगा, ये सूत्र नहीं, ये इसका क्या सूत्र का आता पाई हो गई, ये क्या सूत्र का आता पाई हो गई, नहीं तेरे कुछ मेरे बात को साथ की तो बात बढ़े ना सर, हमें अपने अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए अपने तरीके से सर, और जो मीटिंग की बात है वो आपको यहाँ पर बताएंगे। हमारी संख्या नहीं है, हमारे वैसे तो 29 है, 1 नियत, 28 विधायक है, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है हमारे, 31 है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए 44 ही है, तो बाकी MLA कौन है, बीजेपी वाले इनके बार कहा मैंने कहा बेटा 7 में 10 करा के तो 13 आदमी आ जाओ, कोई भी एक कटो हम बोलते थे बीजेपी के कोई संपर्क में नहीं है विधायक आपके, तो अब तो खुल के आ जाएंगे बीजेपी वाले विधायक, हाँ जो संपर्क में होंगे आपके। अभी समय का इंतजार करो,
सरकार इस सरकार ने बहुत सारे घोषणाएं की है, एक एक घोषणा आपको मालूम है, इसमें 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब छोटी देने की बात है, नौकरियां देने की बात है, किसानों को 2,000 रुपए पर एकड़ का बोनस देने की बात है, 500 करोड़ रुपए, इन सारी घोषणाओं को चुनाव के अंदर से कैसे देखते हैं? देखिए ये चुनावी घोषणाएं हैं, 9.5 साल तक कुछ नहीं किया लोगों को, इन्हें तो कहा था चुनाव से पहले 50,000 भर्ती कर देंगे, पक्की हो गए क्या? अब ये लोग युवाओं के साथ धोखा देने काम किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो ठेकेदारी है सरकार ठेकेदारी इसराइल तक भेज रहे हैं, ठेकेदारी कभी पक्की हो सकती है क्या? लोगों को धोखा दे रहे, तो ये लोग समझ चुके हैं, इनको अच्छी तरह पहचान, मुझे मैं तो कह रहा हूँ इन सब सवालों का जवाब 1 तारीख को लोग देने के लिए तैयार है। जो चुनाव प्रचार आप पैसे जम रहा था, बहुत कुछ घोषणा कर रहे थे जो आप